द नट क्रैकर। एक समय की बात है, एक बर्फ से ढकी क्रिसमस की सुबह उस बड़े नीले दरवाजे पर दस्तक हुई। क्लारा, देखो तो दरवाजे पर कौन है। क्लारा जब उत्साह से भरी हुई सीढ़ियों से दौड़ती नीचे गई, तो उसे उम्मीद थी कि वो किसी विशेष व्यक्ति को देखेगी, और बेशक ये विशेष ही था। अंकल जैक। ओ हो, मेरी क्रिसमस नन्ही बच्ची। अब मैं नन्ही बच्ची नहीं रही अंकल। ओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम हमेशा मेरी नन्ही राजकुमारी ही रहोगी। पर मुझे लगता है तुमने कहा तुम अब बड़ी हो गई हो, तो मुझे तुम्हारे क्रिसमस के खिलौने वापस ले जाने चाहिए। ओह, भूल जाइए जो मैंने कहा, मैं छोटी हूँ उस बैलरीना की तरह जो आपने मेरे लिए पिछले क्रिसमस पर बनाई थी। अंकल जैक खिलौने बनाने वाला था। हर साल वो बहुत ही शानदार सजीव लगने वाले खिलौने बनाता क्लारा और उसके भाई फ्रिट्ज के लिए। क्लारा को अपने सभी खिलौने बहुत पसंद थे और वो उन्हें अपने अलमारी में सुरक्षित रखती थी। उसके पास थे टिन सोल्जर्स, एक समुद्री डाकू, बैलरीना, घुड़सवार, टैंक्स, मॉन्स्टर ट्रक और बहुत कुछ। दूसरी तरफ फ्रिट्ज कभी अपने खिलौनों की देखभाल नहीं करता था। उसकी गुड़िया हमेशा फर्श पर पड़ी रहती थी। इस साल आपने मेरे लिए कौन सा खिलौना बनाया है अंकल? इस साल मैं तुम्हारे लिए कुछ खास खिलौने लाया हूँ फ्रिट्ज, पर तुम्हें रात तक रुकना पड़ेगा अपने खिलौनों को खोलने के लिए। अंकल प्लीज, रात तो कितनी दूर है, प्लीज चलिए ना अभी उन्हें खोलते हैं। तुम बच्चे भी ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ठीक है, खैर मेरे ख्याल से ये क्रिसमस की रात जादुई होने वाली है। ओ अंकल, हम इतने छोटे नहीं रहे, हम जानते हैं कि कोई जादू नहीं होता। ओ, इतने यकीन से मत कहो मेरे बच्चे, आखिर ये क्रिसमस है। ओ, आपकी बातचीत में मुझे नींद आ गई। क्या अब हम अपने उपहार खोल सकते हैं? बिल्कुल, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारे लिए। जब फ्रिट्स ने अपना बक्सा खोला, उसने देखा एक चूहा योद्धा अंदर पड़ा था, जो अपने चमकते दांत के कारण भयानक लग रहा था। ये कितना असली लगता है। क्लारा, आओ देखो, लगता है जैसे ये अभी अभी लड़ाई से लौटा है। पर क्लारा सुन नहीं रही थी, वो अपने खिलौने को घूरती रही। वो एक नट क्रैकर था। उसके सिर पर एक लंबी तोते जैसी नाक थी, जो उसके शरीर से भी बड़ी थी। पर इस खिलौने के बारे में कुछ तो अलग था, और क्लारा उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। ये कितना बदसूरत है। कोई भी बदसूरत नहीं है फ्रिट्ज, ये बस अलग सा लगता है। तुम्हारा मतलब है बदसूरत। अलग होना बदसूरत होना नहीं होता है फ्रिट्ज, और मेरा नट क्रैकर बदसूरत नहीं है। ओ, झगड़ा बंद करो बच्चों, और उसने सही कहा फ्रिट्ज, अलग होना बदसूरती नहीं होती। इसीलिए मैं ये खिलौना तुम्हारे लिए लाया हूँ क्लारा। मुझे पता था तुम इस नट क्रैकर में उसकी लंबी नाक और बड़े सिर से परे जाकर उसकी खूबसूरती जरूर देखोगी। वो हमेशा ऐसा नहीं लगता था। क्या मतलब है आपका? क्या इसकी कोई कहानी है? आपको मैं बतानी चाहिए। बेशक, चलो बैठ जाओ। अब जरा ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि वहाँ एक रानी थी, जिसे पसंद थी महल में सफाई, पंखे और शीशे में देखे दाईं बाईं, ताकि रहे चेहरे पर सुंदर आभा छाई। एक दिन महल में ये बदकिस्मती आई, उसकी नौकरानी गिरी कालीन से टकराई और मेज की दीवार पर सनी थी मलाई, जिसे देखकर रानी जोर से चिल्लाई। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे महल की सुंदरता बिगाड़ने की? पहरेदारों, इसे बाहर फेंक दो। इस बात ने नौकरानी को बहुत ही क्रोधित कर दिया। तुम अपने ही बारे में सोचती हो, तुम उनकी परवाह नहीं करती जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम ये बात नहीं समझती कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। तुम आज के दिन के लिए हमेशा पछताओगी, पर अब तुम देखोगी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। हे रानी, तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी और तुम्हारा सिर बहुत बड़ा, और तब ही जब तुम सबसे कठोर अखरोट को तोड़ सकोगी, तब तुम अपने पुराने रूप में वापस आ पाओगी। रानी वहाँ बैठी रही
और रोने लगी। ओह नहीं, मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं कि अखरोट कैसे तोड़ते हैं। सबसे सख्त अखरोट मैं कैसे तोड़ूंगी? उसी समय नटक्रैकर आया। ओह, पर मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपके लिए करूंगा महारानी। तो नटक्रैकर ने सबसे कठोर नट को तोड़ा। तुरंत ही वो श्राप टूट गया। पर मेरे चेहरे को क्या हुआ? नटक्रैकर का नाक लंबा और लंबा हो गया और उसका सिर बड़ा होता चला गया। पर रानी को परवाह नहीं थी। ओह, तुम बदसूरत हो। अब तुम मेरे सुंदर महल के योग्य नहीं रहे। चले जाओ। और नटक्रैकर को बाहर निकाल दिया गया। पर ये तो अन्याय था। रानी बहुत ही मतलबी थी। मैं सहमत हूँ। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा नटक्रैकर ऐसा क्यों लगता है। इसका वाला नहीं, मुझे वो नटक्रैकर इसी वक्त चाहिए। पर तुम्हें तो उससे नफरत थी। और अंकल ये मेरे लिए लाए थे। तुम्हें अपनी गुड़ियों की कोई परवाह नहीं रहती। पर फ्रिट्स ने परवाह नहीं की। उसे वो खिलौना बस इतनी शिद्दत से चाहिए था कि वो उसके लिए लड़ने लगा। दोनों ने इतनी जोर से उस खिलौने को खींचा कि नटक्रैकर की बांह निकल गई। फ्रिट्स ने खिलौना छोड़ दिया। मुझे मुझे माफ कर दो क्लेरा। नहीं, मेरा नटक्रैकर। ओ प्यारे बच्चों, ये क्रिसमस है, जादू का समय। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे बांध देता हूँ, पर तुम्हें इसे क्रिसमस ट्री के नीचे रखना होगा रात भर। समझ गए? तभी ये जादू काम करेगा। ये लो, रखो इसे। अब मैं चलता हूँ। अपना नटक्रैकर सुरक्षित रखना क्लेरा। जादू दिखाने का समय आ गया। उस रात क्लेरा सो नहीं पाई। वो अपने नटक्रैकर के बारे में सोचती रही। अंत में वो अपने खिलौने के पास गई और उसे गले लगा लिया। उसने उसे अपनी गोद में रखा और सो गई। कुछ देर बाद उसने शोर सुना। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो चूहा सिपाही जीवित हो गया था। उसने अपनी तलवार खींची और वो क्लेरा के करीब आया और अचानक बहुत से चूहे उसके पीछे आ गए। सब उस पर हमला करने वाले थे। क्लेरा उन चूहों को डराकर भगाने के लिए खड़ी हो गई। तब उसे महसूस हुआ कि चूहों की तरह वो भी छोटी हो चुकी थी। वो डर से कांपने लगी। उसी समय नटक्रैकर भी सजीव हो गया। ओह नहीं, क्लेरा! वो उसके कमरे में भागा और उसकी अलमारी के सामने खड़ा हो गया। सुनो, क्लेरा मुसीबत में है। हम सबको उसकी मदद करनी होगी। आओ, मेरे पीछे आओ। सब लोग नीचे भागे क्लेरा को बचाने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, खिलौने और चूहों के बीच जंग छिड़ गई। क्लेरा भागी और क्रिसमस ट्री के पीछे छुप गई। खिलौने बहुत बहादुरी से लड़े, पर चूहों के मुकाबले वो बहुत थोड़े थे। नटक्रैकर स्वयं बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। धीरे धीरे चूहों ने उसे घेर लिया। ओह नहीं, मेरा नटक्रैकर! उन सभी चूहों ने अपने नेता को जमीन पर गिरे देखा और वो भाग गए और खिलौनों ने जंग जीत ली। ओह नटक्रैकर, नहीं, प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो, नहीं! जब वो रो रही थी, क्रिसमस ट्री और अधिक चमकने लगी। क्या? नटक्रैकर एक नौजवान राजकुमार में बदल गया। तुम आखिर हो कौन? क्या अब तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं ही हूँ वो नटक्रैकर। तुमने वो श्राप तोड़ दिया है क्लेरा। तुमने मेरी लंबी नाक और बड़े सिर से परे मेरी सुंदरता को देखा। इससे पहले कि क्लेरा कुछ बोलती, पियानो एक बहुत ही सुंदर धुन बजाने लगा और आगे जो हुआ वो सचमुच जादू ही था। ओ, वो कैसे घूमती रही अपने नटक्रैकर के गिर्द। क्लेरा, क्या तुम सारी रात यहीं सोती रही? क्या? वो चूहा सिपाही कहाँ है और मेरा नटक्रैकर? वो तुम्हारे हाथ में है क्लेरा। क्या तुम ठीक हो मेरी बच्ची? गुड मॉर्निंग सब लोग। ओ क्लेरा, क्या तुम पूरी रात यहाँ ट्री के नीचे सोती रही? अंकल, नटक्रैकर, वो एक नौजवान राजकुमार है और कल रात वो सजीव हो उठा। और वैसे ही वो चूहा सिपाही भी, वो दोनों लड़े और वो सब कैंडीज नाच रही थी। कैंडीज नाच रही थी?
और चूहे लड़े थे। ओह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसका खिलौना तोड़ दिया और अब मेरी बहन पागल हो गई है। क्लेरा, तुम अपने नटक्रैकर को सुरक्षित अपनी अलमारी में क्यों नहीं रख देती? और नीचे आओ नाश्ता करने। हाँ अंकल। क्लेरा को इसका बुरा नहीं लगा कि कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अपने नटक्रैकर में विश्वास था। उसे ये पता था कि जब वो बड़ी होगी, एक दिन वो उसे ढूंढ लेगी और वो दोनों मिलकर राजी खुशी रहेंगे। अपने कमरे में ऊपर क्लेरा ने अपना नटक्रैकर सुरक्षित अपनी अलमारी में रखा और नीचे अपने परिवार के पास गई। आखिर ये क्रिसमस का समय था, जादू का समय।